मित्रों, वेद प्रकाश गुप्ता की ओर से सभी दर्शकों को हार्दिक अभिवादन। फिर से हाजिर हूँ आपके पास एक नया वीडियो लेकर के और एक नया प्रश्न लेकर के। आपको पहले बता दूँ, यह प्रश्न काल्पनिक प्रश्न है और आपकी बुद्धि की क्षमता देखने के लिए, परखने के लिए, कुछ आपका ज्ञान समझने के लिए मैंने ये प्रश्न अपनी कल्पना से तैयार किया है। इसलिए इस प्रश्न पर आप कोई ऊटपटांग की बात ना सोचें, इसको केवल प्रश्न के रूप में लें और इसका उत्तर आपको देना है। इसलिए ध्यान से पूरा वीडियो पहले देखें, सुनें और समझें, इसके बाद अपना दिमाग का उपयोग करें और प्रश्न संजीदगी के साथ दें। दिमाग लगा करके दीजिएगा, कमेंट के द्वारा देना है। प्रश्न में दो प्रश्न हैं, वीडियो एक है लेकिन प्रश्न दो हैं और समझने की बात है। तो अब पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। प्रश्न शुरू करता हूँ। एक रूट है चंडीगढ़ से लाहौर, चंडीगढ़ इंडिया में और लाहौर पाकिस्तान में। दोनों जगह हवाई अड्डे हैं, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें उड़ती हैं। अब चंडीगढ़ से एक विमान ठीक सुबह 9 बजे उड़ान भरता है। आपको बता दूं, उड़ान जो चंडीगढ़ से लाहौर के बीच में है, विमान अपनी निर्धारित गति से चलता है, सही टाइम से उड़ता है, एक निश्चित स्पीड पर उड़ता है और उस विमान को चंडीगढ़ से सीधे लाहौर पहुंचने में आधा घंटे का वक्त लगता है। हाफ आवर, 30 मिनट्स, आधा घंटे का। तो विमान चंडीगढ़ से उड़ता है ठीक 9 बजे। तो आपको बताना ये है कि वह विमान अपने निर्धारित रूट पर बिल्कुल सही टाइम पर उड़ान भरता है। जब उड़ान भरता है तो जिस तरह से प्रक्रियाएं होती हैं, सामान की जांच होती है, यात्री की जांच होती है, वो सब प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं। जैसी उद्घोषणा होती है, भाई अब विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है, अपनी सीट बेल्ट बांध ले, ऐसे एयर होस्टेस वगैरह सब कुछ प्रक्रिया पूरी करते हैं। रास्ते में जो चाय, कोल्ड ड्रिंक, जो भी व्यवस्था होती है टिकट के अंतर्गत सब जुड़ा होता है, वो सब पूरी प्रक्रिया होते हुए विमान जा रहा है। जाते जाते विमान लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड कर जाता है। इसी तरह से उसी एयरलाइंस की, उसी कंपनी की दूसरी उड़ान लाहौर से भी ठीक सुबह 9 बजे ही उड़ान भरती है। उसी तरह पूरी प्रक्रियाएं होती हैं और वहाँ से भी विमान ठीक 9 बजे लाहौर से चल करके चंडीगढ़ के लिए उड़ान भरता है। अब आपको इन प्रश्नों में ये बताना है कि जो विमान चंडीगढ़ से ठीक 9 बजे चला, वो विमान लाहौर के एयरपोर्ट पर, आधा घंटे का वक्त लगना है, लाहौर के एयरपोर्ट पर कितने टाइम पहुँचेगा, कै बजा होगा जब वो विमान चंडीगढ़ से लाहौर के एयरपोर्ट पर उतरेगा। और दूसरा विमान जो लाहौर से चला है, उसको भी लगना तो आधा घंटा ही है, सेम स्पीड है, सेम एयरलाइंस का विमान है, सेम रूट पर है। जब वो विमान लाहौर से चलता है, चंडीगढ़ पहुंचता है, तो उसको लाहौर से चंडीगढ़ आने में जो टाइम लगा, तो वो विमान चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर कितने टाइम उतरेगा। बस बहुत सिंपल प्रश्न है, बहुत आसान है, लेकिन इसका उत्तर आपको छोटे बच्चों की तरह नहीं दे देना है, कमेंट करना है। कमेंट कैसे करना है? लाहौर से चंडीगढ़ जाने वाला विमान को आप ए डालेंगे, ए डालें, एक नंबर डालें, उसका कमेंट पहले करें कि लाहौर से चल करके जो विमान चंडीगढ़ जा रहा है, वो चंडीगढ़ में कै बजे पहुंचेगा, उत्तर लिखें। फिर उसके बाद स्पेस दे करके बी डालें या दो नंबर डालें, तो फिर दूसरे नंबर पर आपको चंडीगढ़ से चल करके जो विमान लाहौर गया है,
वो कै बजे पहुंचेगा, इस तरह से बिल्कुल सही तरीके से आपको उत्तर देना है, कमेंट करके ही उत्तर देना है। बस ये है कि कॉमन सेंस का प्रश्न है, आपको दिमाग लगाना है, टाइम दोनों का आधा घंटा ही लगना है, रूट सेम है, स्पीड सेम है, कोई स्पीड में रूट में अंतर नहीं है, कोई चीटिंग वाला प्रश्न मैं नहीं कर रहा, बस आपके दिमाग की दाद दूंगा अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट उत्तर मेरे पास कमेंट करके लिखेंगे। अब रह गई बात वीडियो की, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अभी तक आपने वेद प्रकाश गुप्ता का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल घंटी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो आगे रिकॉर्ड करूं, अपलोड करूं, वो आपके पास सबसे पहले जरिए नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया, टाइम से दिया, जल्दी दिया, ठीक उत्तर दिया, तो मैं फिर से आपको कोई ना कोई प्रश्न दूंगा। पहले भी मैं आपको प्रश्न जारी कर चुका हूं, लेकिन अफसोस कि आप लोग जल्दी कमेंट नहीं करते हैं, जल्दी उत्तर नहीं देते हैं, लिहाजा इसको संजीदगी से लीजिए, संजीदगी से लीजिए, और इसका उत्तर जल्दी से जल्दी दीजिए, ताकि मैं आपको फिर से कोई प्रश्न दे सकूँ। अगर आपको उत्तर नहीं समझ में आता, मैं पहले भी कहता हूँ कि अगर उत्तर नहीं आपको समझ में आता है तो अपने सीनियरों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से शेयर करके वीडियो, उनसे भी उत्तर पूछ सकते हैं। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे ये वीडियो भी फैलेगा और ये जानकारी सबके पास भी पहुँचेगी, और साथ में जल्दी से जल्दी कमेंट करने का आपको अवसर मिलेगा। जल्दी कमेंट कीजिए, फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। आपसे एक बात कहना चाहूँगा, मुझे थोड़ा सा ज्ञान कम है, वीडियो बनाने में मुझे मोबाइल का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए वीडियो की गुणवत्ता पर बहुत ध्यान नहीं दीजिएगा। इस वीडियो को आप शांतिपूर्वक पहले ध्यान से सुन लीजिएगा, कंसंट्रेट माइंड होकर के आप सोचिएगा, फिर ही कमेंट करिएगा, बच्चों की तरह उत्तर नहीं दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, कोई कहा सुना कुछ गलत हुआ हो माफ़ करिएगा। जय हिंद, जय भारत।